तो गाइस जैसा कि आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं बहुत ही करीब हूँ 100 सब्सक्राइबर्स के, तो यार उसको जल्दी से कंप्लीट कर दो, आई नो आप लोग कर दोगे। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरे वीडियो ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में अपडेटेड रखते हैं तो यार किस बात का वेट कर रहे हो, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे आप इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेटेड रह सकते हैं मेरे वीडियोस के थ्रू। और गाइस अगर आप लोग मेरे को कोई न्यूज सबसे पहले भेजते हो तो उसके लिए आपको क्रेडिट मिलेगा मेरी वीडियोस में, तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर जाके मुझे न्यूज सेंड कर सकते हो और साथ ही में अपना नेम भी जरूर से लिख देना, जिससे मैं आप लोगों को क्रेडिट दे सकूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो हेलो गाइस, वेलकम इन टू द न्यूज कैसल, मैं हूं तुम्हारा होस्ट दोस्त एंड न्यूज वाला गोस्ट। गाइस आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूं आशीष चंचलानी के बारे में, कि आशीष चंचलानी इतने दिन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से क्यों ब्रेक लिए थे। और आज मैं बात करूंगा मिथपैट के बारे में, कि उनका जो जॉबलेस फ्रीक वाला वो टैटू वाला सीन चल रहा था वो कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, और साथ ही में हम बात करेंगे फ्लाइंग वीज के बारे में। तो चलिए गाइस प्ले करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्टिंग कर लेते हैं आशीष चंचलानी से। तो आशीष चंचलानी थोड़े दिन पहले अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किए थे, जिसमें वो बोले थे कि वो थोड़े दिन के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ब्रेक ले रहे हैं और वो ये ब्रेक किसी पर्सनल इशू के चक्कर में लिए थे। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं वो ट्वीट में लिखे थे कि अ वेरी पर्सनल फैमिली इशू पॉपड अप ब्रदर, थिंग्स आर गेटिंग फाइन नाउ, विल लेट यू ऑल नो अबाउट इट वेरी सून, थैंक यू फॉर ऑल बीइंग देयर ऑल लव। तो फाइनली आशीष चंचलानी ने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके वो पर्सनल इशू के बारे में बताया जिसकी वजह से वो ब्रेक लिए थे। फ्यू वीक्स बैक माय मम्मी एंड पापा टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19, नॉट ओनली मम्मी पापा बट माई अंकल आंट माई नेफ्यू आदि यस दैट लिटिल किड एंड इवन माई कजन ब्रदर फ्रॉम ACB टीम जशन एंड तनिष्क टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना। तो गाइस जैसा कि अब हम लोगों को पता चल ही गया कि आशीष चंचलानी के मम्मा पापा आंट और नेफ्यू सब लोग कोरोना पॉजिटिव निकले थे, दैट्स वाई वो थोड़े दिन के लिए ब्रेक लिए थे। इसी के साथ में आशीष चंचलानी ने और भी कई सारे डिटेल ट्वीट किए थे, तो उनके SS मैं वीडियो में मैंशन कर दूंगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते। तो इसी इश्यू के रिगार्डिंग आशीष चंचलानी ने अपने सिस्टर के चैनल पर एक वीडियो बनाया, पूरा डिटेल वीडियो है, तो आप लोगों को अगर वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तानी भाव के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो से पता चल ही गया होगा कि हिंदुस्तानी भाव का इंस्टाग्राम पेज डिलीट हो गया, अगर आप लोगों ने मेरा वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड हिंदुस्तानी भाव अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट डाल के हुए बोले कि टेंशन नहीं लेने का, मेरे लिए कोई नई बात नहीं, अकाउंट का जाना और आना ऐसा होता रहता है, बहुत बार हुआ है, तुम्हारा भाव बहुत जल्दी आ रहा है इन गद्दारों की बजाने, लव यू ऑल इन जय हिंद। तो देखते हैं गाइस अब इससे रिलेटेड हिंदुस्तानी भाव क्या करते हैं। तो हिंदुस्तानी भाव के इंस्टाग्राम अकाउंट के डिलीट होने पर आप लोगों को क्या सोचना है, तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं मिथपैट और जॉबलेस फ्रीक के बारे में। तो यार जैसा कि आप लोगों को मेरी पिछली वीडियो से पता ही होगा कि जॉबलेस फ्रीक ने ये बोला था कि अगर मिथपैट उनके एक दिन के अंदर 100K सब्सक्राइबर करवा देते हैं तो वो उनके नाम का परमानेंट टैटू अपनी बॉडी पर करवा लेंगे। तो गाइस एक ही दिन के अंदर जॉबलेस फ्रीक के 100K सब्सक्राइबर हो गए थे, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि उन्होंने जैसा बोला था वो एग्जैक्टली सेम वैसा ही किए हैं। तो उन्होंने अपनी बॉडी पर मिथपैट का एकदम एग्जैक्टली टैटू बनवा लिया, वो भी परमानेंट। तो उसी के रिगार्डिंग वो अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किए हैं, तो जॉबलेस फ्रीक की उस वीडियो का एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। देखो कौन है, दुख पहला आखिरी टैटू है मेरा, मैंने ये सोचा अभी ये करने के बाद अभी M नाम की लड़की भी ढूंढ लो, एक्चुअली परमानेंट निकलता ही नहीं है कुछ करके। गाइस मैं तो मुंह हाइड कर रहा है, गाइस आई डोंट सपोर्ट दिस, ऐसा प्लीज मत करो, ये कर रहा है अभी ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, बट प्लीज मत करो ऐसा कुछ भी, मैं खुद कभी किसी का टैटू नहीं करने वाला। तो अगर आप लोग वो वीडियो पूरा देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लिंक पे क्लिक करके वीडियो को पूरा देख सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि JEE और नीट के एग्जाम्स के सारी चीजें पास आउट हो चुकी हैं, तो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि उन एग्जाम्स को अभी कंडक्ट नहीं कराना चाहिए। तो इसी के सपोर्ट में हमारे गौरव तनेजा यानी फ्लाइंग बीस्ट ने एक ट्वीट किया जिसमें वो बोले कि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन वॉन्ट्स टू पोस्टपोन द JEE एंड नीट, आई एम जस्ट लुकिंग
that what numbers we are talking, we'll post it on Twitter and then we tag relevant authorities later. और गाइस साथ ही मैं गौरव तनेजा ने स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट किया कि ऑल्सो रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट टू स्टडी हार्ड एंड डू देयर बिट, यू आर द फ्यूचर। तो इसी के साथ मैं गाइस मैं और भी कई सारे बिग यूट्यूबर्स का रिएक्शन पहले अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूं, तो आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो गाइस मेरा तो यही मानना है कि एग्जाम को अभी कंडक्ट नहीं करना चाहिए, कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है इस बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड डू लीव अ लाइक गाइस।